आईपीएस एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही हम आगे बढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देख रहे थे, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें से एक सवाल पूछा भी गया था आपको, और जो आंसर आया वो सभी का सही है। तो आप ऐसे ही लगातार ट्राई करते रहिए ताकि आपका अच्छे से नॉलेज जो है वो बढ़ता रहे और साथ में तैयारी भी होती रहेगी। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के, जिसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से दर्शाया गया, ठीक है, निरूपित किया जाता है, जहाँ V वोल्ट में यानी कि V तो विभव को शो करता है और एक्स वाई जेड जो है वो उसकी दूरियों को शो कर रहे हैं मीटर में। बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे इसका परिमाण, तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा कि जिससे विद्युत क्षेत्र निकाला जा सके। तो हमने ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या रिलेशन होता है, तो आपको बताया गया था कि E इज इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट V। ये हम पढ़ के आए, जिससे अपने पास V की जो वैल्यू वो रखेंगे तो हमारे पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो उसको समझते हैं और इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि वी एक्स वाई जेड यानी वोल्टेज का जो मान दे रखा है अपने को वो देख रखा है 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। ये तो है विभव का मान, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई जेड दूरियाँ हैं और V क्या है विभव, और वो भी किसमें, वोल्ट में। तो अब आप देखते हैं आगे क्या करना है कि बिंदु 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध आप जानते हो क्या होता है। हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है माइनस का ग्रेडियंट वी, या फिर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं माइनस का डेल डॉट वी, ठीक है। अब इसको हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सदिश रूप में लिखना है क्योंकि इसका रिलेशन नहीं है, इस टाइप से आता है तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे आई के एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा करके एक्सटेंड करके। तो माइनस तो है ही ऑलरेडी, इस डेल का मतलब होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड और साथ में आ रहा है वी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इस जो अपन ने पढ़ा था रिलेशन, आप को यदि याद नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो देखिए और इसके अंदर जो टॉपिक आपने कर रखा है वो इसमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ये निकाला था, वहाँ पर मैंने ये लिखा था, ठीक है। इस V को आप अंदर भेजोगे तो मैं यहीं से इसको अंदर भेज दूँ तो आपके पास, चलो नेक्स्ट स्टेप में भेज देते हैं, तो क्या आएगा माइनस का आई केप, ठीक है, इसको V को अंदर भेज दो तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आता है इसका आंसर। तो अब हमें क्या करना है, क्या अपने पास V की वैल्यू है, तो V की वैल्यू अपने को दे रखी है, उसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, यानी इसका जो अवकलन करके इसका अवकलन कर देंगे एक्स के बारे में एक बार, फिर वाई के साथ, फिर जेड के साथ, और फिर वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ से, सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, वी का मान रखिए कितना है अपने पास 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz, ये दे रखा है, इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपको मैंने अवकलन के कुछ फॉर्मूले बता रखे थे, हम पढ़ते हुए आए हैं 11th क्लास में, स्पेशली बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो उन फॉर्मूलों को देख लें एक बार ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, और वैसे इतना कोई टफ नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं क्या आएगा। देखो तो इसका अवकलन करना है, सबके साथ ही अवकलन करना है अलग अलग। तो देखो अवकलन उसी टर्म का होगा जिसके सापेक्ष किया जा रहा है, जैसे आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो इसमें अवकलन जो होगा वो x का ही होगा, ठीक है। फिर जैसे y आ गया तो इसमें y आ गया तो y का कोई अवकलन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वो राशि क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अवकलन करते हैं, तो देखो x का अवकलन करते हैं कितना आता है 1,
आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने बताया था आपको कि x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है अवकलन d अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन होता है, तो उस हिसाब से पहले तो 6 को रोकेंगे, x का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये तो हट गया, फिर माइनस, अब करो 8y तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो 8y का तो होगा नहीं, अवकलन किसका करोगे, x का, तो x का अवकलन कितना होता है, वही 1। फिर आगे चलते हैं, 8y आ रहा है तो ये तो ऑलरेडी 8 तो कॉन्स्टेंट है मान लीजिए, लेकिन y का x के रेस्पेक्ट में कोई अवकलन नहीं होता तो इसको हम कह देंगे 0, तो ये तो हट गया। फिर आगे चलते हैं, इसमें भी x की टर्म नहीं आ रही तो क्या इसका भी अवकलन होगा, तो इसका भी कोई अवकलन नहीं होगा, यानी कि x वाली टर्म का ही अवकलन होता है, y वाली टर्म का साथ में है तो उसका नहीं होगा। यदि x y आ जाता है तो आप x का कीजिए, y को रख लो, जैसे होता ना आपको बताया था कि दो टर्म दे रखी है u और v, तो पहले एक को करना होता है अवकलन, फिर जैसे इसको छोड़ा इसका अवकलन किया प्लस इसका अवकलन कर देंगे, आगे वाले टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हुए आए हैं, उसी हिसाब से ये रूल लगाए, तो आपको ध्यान रखना है क्या किया, ठीक है। तो ये तो अवकलन आ गया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के साथ। अब ऐसे ही किसके साथ निकालोगे, वाई के साथ, तो देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल वाई, वी का मान रखिए तो 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका अवकलन कुछ होगा क्या, x आ रहा है तो इसका कोई अवकलन नहीं होगा, हाँ इसके रेस्पेक्ट में यदि y साथ में आता तो इसका अवकलन भी y का होता, x का नहीं होगा, तो इस टर्म का अवकलन कोई नहीं होगा, 0। अब इसमें y आ रहा है तो y का अवकलन y के सापेक्ष कितना होता है, 1, तो ये हट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा, माइनस का 8x, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का 8x, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, इसका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें टर्म कौन सी है, y की, और y का अवकलन क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो इसका आ जाएगा माइनस का 8। इसका होगा, इसका भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी y आ रहा है, तो y का अवकलन कितना होता है, वही 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, 6z, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस का 6z। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, देखो इसको नंबर तो 1 दे दिया मैंने, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब ऐसे ही आप लास्ट टर्म और कौन सी निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल जेड, तो वो और निकालिए, तो डेल वी अपॉन डेल जेड क्या आएगा यहाँ से, वो देखते हैं। तो वापस से वैल्यू रखिए डेल अपॉन डेल जेड, वी की वैल्यू रखिए 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। अब आप खुद इसका डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या होता है, तो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट में, तो अवकलन किसके टर्म, कौन से टर्म आने वाली है, सिर्फ जेड वाली टर्म का ही अवकलन होगा, अदर का अवकलन नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक्स वाली टर्म आ रही है तो क्या इसका अवकलन होगा, नहीं होगा, तो इसका अवकलन भी 0। इसमें एक्स वाई आ रही है, जेड वाली कोई टर्म आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका भी अवकलन 0 होगा। क्या इसमें जेड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका भी अवकलन 0 होगा। क्या इसमें जेड आ रहा है, तो हाँ इसमें जेड आ रहा है, तो इस जेड का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, और आंसर क्या आएगा आपके पास, सिर्फ 6y। तो अपने पास डेल वी अपॉन डेल जेड भी हमने निकाल लिया, इसको हम नंबर दे देते हैं 4। अब देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग समीकरण 1 से आप देख सकते हो, हमें सिर्फ डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल वी अपॉन डेल जेड चाहिए, बस इन्हीं का मान निकालना है। तो रखिए, तो हम यहाँ से करेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से मान, 2, 3 व 4 से मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या वैल्यू आती है, तो देखिए मैं यहाँ से कहूँगा सदिश E इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस i केप डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखिए कितनी है, 6 माइनस 8y, तो मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ 6 माइनस 8y, साथ में आ रहा है i केप। फिर आगे चलिए, तो आप देखेंगे प्लस j केप, प्लस j केप डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम ये लिख देते हैं वैल्यू माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस का 6z और साथ में आ जाएगा j केप, फिर प्लस लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली में आ रहा है k केप डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ये मैंने लिखा k केप और डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू है 6y, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा 6y और साथ में क्या जाएगा k केप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमने रख दी। ये अपने पास आ गया विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप में मान। अब ये क्या बोल रहा है वो देखिए, आपको निकालना है बिंदु 1, 1, 1, ये शो करता है x को, ये y को, ये z को, यानी जहाँ पे x, y, z है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1, 1 और 1 रखना है, ठीक है। तो 1, 1, 1 आप रखेंगे
तो क्या करोगे, यहाँ से ना एक 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 ऐसा मतलब एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू ना इसमें रख देंगे, और फिर क्या करना है इसका परिमाण, और परिमाण कैसे निकाला जाता है किसी राशि का। जैसे आप सपोज कीजिए, आपको मैंने बताया था कि सदिश ए बराबर यदि हो अपने पास ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, तो इसका परिमाण कैसे निकलता है। तो परिमाण में आपको बताया था इस टाइप से परिमाण निकाला जाता है, वो हो जाता है अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ई का परिमाण निकालना है। कब निकालेंगे, पहले पॉइंट रख देते हैं एक्स वाई जेड की जगह कितना, एक एक एक, फिर हम क्या करेंगे इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। जैसे सदिश ई बराबर ई एक्स आई केप ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, परिमाण, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इतना टफ काम नहीं कर रहे, खाली सिर्फ वैल्यू का आकलन करके इसमें मान रख रहे हैं। इतना मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम एक्स वाई जेड की जगह मान रखेंगे कितना, एक एक एक, ठीक है। तो रख देते हैं, हम कहेंगे एक 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 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो कितना आएगा, तो हम लिख देंगे सदिश ई इज इक्वल टू, एक रखिए यहाँ पे, तो माइनस क्या आ रहा है सिक्स, यहाँ पे वाई की जगह आपको एक रखना है, तो क्या आएगा सिक्स माइनस एट, सिक्स माइनस एट आई के, फिर एक्स की वाई, एक्स वाई जेड की जगह एक एक रखिए, तो इसमें तो आ रहा है माइनस का एट, माइनस का एट प्लस का सिक्स जे के, और प्लस सिक्स आगे लिख देता हूँ प्लस का सिक्स के के, जेड की जगह भी हमने क्या रख दिया एक। देखो ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के आ रहा है मान, इसको रख करके सॉल्व कीजिए, तो देखो छः में से आठ जाएगा, कितना बचा माइनस का दो, सिक्स में से एट जाएगा माइनस का टू आई के प्लस माइनस एट कितना हो गया सिक्सटीन, आठ और आठ कितना हो गया सोलह, माइनस का और प्लस माइनस का सोलह प्लस का छः कितना होता है माइनस का दस, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस दस जे केप प्लस सिक्स के केप है, तो ये ऐसा कैसे रहेगा। अब आपको एक लास्ट काम और करना है, इसमें माइनस है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये तो प्लस का टू आई केप माइनस माइनस प्लस टेन जे केप और माइनस का सिक्स के केप, ये आ गया आपके पास सदिश ई का मान, इसको मैं नंबर दे सकता हूँ फाइव, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के रूप में। आपको अब निकालना क्या है, इसका परिमाण। तो परिमाण कैसे निकाला जाएगा, तो अभी आपको बताया था जैसे सदिश ए होता तो ये ए एक्स आई के प्लस ये ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो हम परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इनका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा अंडर रूट में दो का स्क्वायर प्लस दस का स्क्वायर प्लस माइनस छः का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, तो दो का स्क्वायर चार, दस का स्क्वायर सौ, छः का स्क्वायर छत्तीस, कितना हो गया है 140 हो गया, तो रूट 140 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका परिमाण आएगा विद्युत क्षेत्र का। यूनिट आप लगा देना क्या होता है न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, सॉरी न्यूटन एफ अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलाम, ये आ जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, सिंपल वे के अंदर हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, वो भी खाली कहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको ये सवाल एक तो करना है। इसके लिए इसके बाद में आपको एक सवाल मैं और बताता हूँ, इसी सवाल में चेंज करूँगा थोड़ा सा, और उसका आंसर आप खुद अपनी नोटबुक में भी निकालोगे, फिर नोटबुक में भी मेरे को बताओगे, और जो भी आंसर आता है वो आपको सॉल्व करके बताना है। ना तो आपको वो क्वेश्चन बुक में मिलेगा, ना कोई अपने पास इसका एग्जाम्पल है कहीं पर, लेकिन इसी के बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए वो सवाल आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है, बस खाली वोल्टेज का मान रखिए, ये फॉर्मूला ये होता है, आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड निकालना है। ये निकालने के लिए पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए अवकलन आना चाहिए। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का अवकलन एक होता है, यदि स्क्वायर होता तो आप जानते हो टू एक्स हो जाता, एक्स क्यूब होता तो थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपको बताया हुआ है, तो उस टाइप से आप इसका अवकलन करोगे। और लास्ट में विद्युत क्षेत्र का मान आने के बाद में यहाँ पे हमने पॉइंट्स रखे जो अपने को दिए हुए हैं, और फिर उसका हमने क्या किया, परिमाण निकाला। तो ये एक सिंपल रास्ता है इसको क्रॉस करने का, और यही पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, परिमाण, तो इसका आंसर आ चुका है, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काम भी आपको नोटबुक में करना है, इसके बाद में एक सवाल जो आपको करके लाना है वो। यह एक अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, क्या करना है इस सवाल में एक बार फिर से देख लीजिए। क्या सवाल दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र में दर्शा रखा है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को 6x-8xy+-8y+6yz+5xz दिखा रखा है। ठीक है, वही सवाल है, खाली इसके अंदर मैंने एक टर्म बदली है, वो लिखा है मैंने आगे 5xz। आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल है, या आपको फेयर नोटबुक में करना है और पहले रफ नोटबुक में करना चाहो तो वो उसमें भी कर सकते हो, फिर मेरे को दिखा करके आंसर, फिर आप उसको फेयर में कर लेना। तो ये सवाल तो हो गया, इसके वोल्टेज का मान निरूपित किया जाता है जहाँ पे वी वोल्ट में और ये मीटर में। बिंदु 212 पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बदले गए हैं, जैसे उसमें 111 था, इसमें हमने क्या कर दिया है 212 पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही ज़्यादा इसका क्या रहेगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। देखते हैं कल कि कौन सबसे पहले इसका आंसर बताएगा। ठीक है, तो ये सवाल का है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ये सवाल आपको अपनी नोटबुक में करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे सवाल भी एग्जाम में आते रहते हैं और ज़्यादातर टेस्ट में भी बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लो। रोक देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्स एक्स के अनुदेश बता रखा है, क्षेत्र में विद्युत विभव वी एक्स दूरी एक्स मीटर के साथ संबंध बता रखा है, यानी कि V जो है वो सिर्फ x डायरेक्शन वाले पे मान पे डिपेंड कर रहा है और संबंध दे रखा है वी एक्स इज इक्वल टू 4x2। जैसे वो पहले वाला सवाल था सेम वैसा का वैसा सवाल है, 4x2 पर डिपेंड करता है। बिंदु x बराबर 1 मीटर पर, x का a कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 मीटर पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालोगे, तो विद्युत बल का सूत्र आप जानते होंगे, F बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो हमें पहले ई चाहिए, विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा वो अभी हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, उससे निकालेंगे। और फिर Q का मान 1 माइक्रोकुलम दे रखा है, तो कैसे आता है, और रोकना कर साइलेंट। यहाँ से हम देखते हैं Vx का मान रखेंगे इसके अंदर 4x2 की जगह, x का मान 1 मीटर रख करके और 1 माइक्रोकुलम पर विद्युत बल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो हमें Vx बता रखा है, 4x2 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसका जब हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट वी होता है, और तो मान है नहीं अपने पास, तो अब इसको हम ऐसे निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आई कैप के लिए मान निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो आने में पूरा ही आएगा तीनों मान, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी। लेकिन आप देखो इसकी वैल्यू सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का तो है ही नहीं, तो सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र एक्स के लिए निकाल दें, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये रख देते हैं, सिर्फ ई एक्स निकालना है हमें, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये लिख रहे हैं ex की वैल्यू इसके बराबर होती है, सदिश e में लिखना चाहो तो ex i के प्लस ey j के प्लस ez k के में लिखा जाता है, तो ये ex की वैल्यू होती है। तो डेल v अपॉन डेल x रखना है हमें, ये प्लस वैल्यू होगी, लेकिन ग्रेडियंट v के हिसाब से ये वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, और मैं इसके i डायरेक्शन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप टोटल मान निकाल रहे हो विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो v का मान रखिए अपने पास कितना है, तो ये आएगा 4x2 vx का मान, और साथ में आई केप डायरेक्शन शो करता है। अवकलन कीजिए इसका, 4x2 का अवकलन हो जाएगा, 4 का तो होता नहीं है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो ये 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये आएगा 8x आई केप। ये e का मान आ रहा है जो x डायरेक्शन को शो करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है x की ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, यदि इसका परिमाण लें, तो परिमाण लेंगे तो क्या आएगा सिर्फ विद्युत क्षेत्र का, तो हम कहेंगे अपने पास सिर्फ 8x वैल्यू आ रही है परिमाण लें, तो क्योंकि परिमाण की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है, और डायरेक्शन कौन सी है, आप यहाँ से यदि आपको दिशा पूछता है तो आप बताओगे कि आई केप दिशा शो करता है एक्स को, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस डायरेक्शन एक्स के विपरीत, यानी कि माइनस एक्स दिशा को, या हम बोल सकते हैं ऋणात्मक एक्स दिशा को शो करता है। तो ये ई का मान आ गया परिमाण। अब ये बोल रहा है एक्स का मान 1 मीटर रखिए, और जब एक्स बराबर 1 मीटर होगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना जाएगा, तो हम कहेंगे सिर्फ 8 न्यूटन पर कूलम पहुँच कर। ये E की वैल्यू जो है वो 8 आ गई अपने पास परिमाण में, न्यूटन पर कूलम। अब ये बोलता है कि 1 माइक्रोकूलम आवेश पर, तो हम Q की जगह कितना रखते हैं 1 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब 1×10⁻⁶ कूलम हो गया। ये आवेश को शो करता है। अब आपको बोला जा रहा है इसके ऊपर विद्युत बल ज्ञात कीजिए,
तो विद्युत बल का जो सूत्र होता है एफ इज इक्वल टू, परिमाण के रूप में निकालें तो क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा क्यू इंटू ई। या आप फॉर्मूला पढ़े तो ये सूत्र आएगा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत बल, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये विद्युत बल है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू का मान तो है 1 × 10⁻⁶ कूलम, और विद्युत क्षेत्र का जो मान आया है अपने पास वो कितना है 8, तो आंसर जो आएगा 8 × 10⁻⁶ न्यूटन। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछ लेता है कि विद्युत बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जो आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, तो ऋणात्मक दिशा के रूप में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस सवाल का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये करना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लास्ट, ये अभी का, दो प्रोटॉन दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी बता रखी है। प्रोटॉन के पास चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ही होता है सेम ही, बस धनात्मक वैल्यू होती है। 6 × 10⁻¹⁵ यानी आर का मान दे रखा है, दूरी पर स्थित है। प्रोटॉन की अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम पढ़े थे लास्ट जो टॉपिक चल रहे थे उसमें आपको बताया गया था कि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन है तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा कि प्रोटॉन, प्रोटॉन दे रखा है तो प्रोटॉन के लिए जो आवेश होता है क्यू वन उसका मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ऐसे ही क्यू टू का मान भी सेम ही, क्योंकि दो प्रोटॉन दे रखे हैं, चार्ज इतना ही होता है प्रोटॉन के ऊपर। दूरी दे रखी है अपने को, प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। अब दूरी r बराबर अपने को दे रखा है 6 × 10⁻¹⁵ मीटर, तब स्थितिज ऊर्जा, और आपको मैंने इसका यूनिट भी बताया था कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल में आता है, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये आंसर तो जूल में आएगा, लेकिन आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो जूल जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो आपको बताया था जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ से k का मान तो होता है 9 × 10⁻¹, ठीक है। Q1 Q2 का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन r का मान, r का मान दे रखा है 6 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है वो आएगा जूल के अंदर, और जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करोगे, उस क्वांटिटी को किस में भाग दे दोगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का, इतने में आंसर आ जाएगा आपका। यानी जो भी आंसर आएगा इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उसका भाग दीजिए, आपका आंसर किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि क्यों लिया जाता है। तो आपको बताया गया है कि एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो जैसे हम बात करें तो आपको बताया कि कार्य जो होता है W अपॉन Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपको मैंने बताया था विभव के बराबर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब इसका मात्रक तो होता है Q, यदि इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम इंटू वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के, ठीक है। तो जूल को इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि बदलोगे क्यू इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, क्योंकि क्यू का मात्रक तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये वोल्ट के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर हो, ये होगा, ठीक है। अब आपको जूल को ही बदलना है, तो यहाँ से यदि एक जूल लिखेंगे तो ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का आएगा इसके भाग में, यानी कि जो क्वांटिटी आती है उसमें आपको क्या करना है, भाग दे करके किस में बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा काम आपको करना है अपनी नोटबुक में, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।